स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर जैनब और आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक्स। कौन सा लेक्चर है आज हमारा? इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक। हमने जो आज डॉक्यूमेंट यानी जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बैंक की अहम दस्तावेजात हैं यानी जो बैंक के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बैंक के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो बैंक का डॉक्यूमेंट है वो कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसे कहते हैं। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैंक के आइन को डिस्कस करेंगे, फिर बैंक के कायदे ज़वाबत को डिस्कस करेंगे, फिर बैंक का जो पेश नाम है उसको डिस्कस करेंगे। तीन डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट। सबसे पहला बैंक का आइन है, सेकेंड जो है बैंक के ज़वाबत हैं, और थर्ड जो है बैंक का पेश नामा है। कौन सा है? बैंक का पेश नामा है। तो सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट को हम डिस्कस करेंगे वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है यानी जो बैंक का आइन है उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिटेल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि ये बैंक की एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक इन विच कंपनी डिस्क्राइब द राइट एंड ड्यूटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बैंक। तो कहते हैं ये बैंक का एक ऐसा आइन है, एक ऐसे दस्तावेजात है जो कंपनी के हकूक इख्तियारात और मकासद का तयन करती है। कहते हैं इट इज़ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कहते हैं बैंक का आइन एक ऐसी दस्तावेजात है जो कंपनी के हकूक इख्तियारात और मकासद का तयन करती है। फिर वो कहते हैं ये एक बुनियादी और अहम दस्तावेज़ है, इसके लिए जो है हम इसकी तैयारी में नहायत एहतियात से काम लेना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप कंपनी के हकूक और इख्तियारात और मकासद का तयन करती है। यानी इसमें कंपनी के जो राइट ड्यूटीज़ होती हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है। क्या होता है? कंपनी के जो हकूक हैं यानी जो कंपनी के राइट्स हैं, कंपनी के राइट्स हैं और उनके जो इख्तियारात हैं और मकासद हैं यानी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहते हैं कि उनका वो तयन करती है। यानी जो कंपनी के हकूक हैं, कंपनी के जो मकासद हैं, कंपनी की जो ड्यूटीज़ हैं वो उनको जो है वो डिस्कस करती है। ये तो ये जो है बैंक की सबसे पहली दस्तावेज़ है यानी ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं ये बुनियादी अहम दस्तावेज़ है, इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक है, इसलिए इसकी हमें तैयारी में नहायत एहतियात से काम लेना चाहिए। कहते हैं जो इसकी तैयारी है ना उसमें हमें नहायत एहतियात से काम लेना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसे बैंक के माहरीन से तैयार करवाना चाहिए, जो बैंक के यानी जो आपके स्पेशल पर्सन हैं उसे जो डायरेक्टर्स हैं उनसे तैयार करवाना चाहिए। लेकिन आम तौर पर इसे बैंक के बानियान तैयार करते कहते हैं लेकिन आम तौर पर लेकिन इसे बेसिकली जो बैंक के बानियान तैयार करते हैं बैंक का आइन बैंक और दाहली लोगों के दरमियान एक माहदा है। कहते हैं कि बैंक का जो आइन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी जो आपकी एसोसिएशन है यानी जो आपकी बैंक एसोसिएशन है वो कहते हैं दाहली लोगों के दरमियान एक माहदा है जिसमें बैंक की कानूनी हैसियत को बयान किया जाता है। कहते बैंक का आइन बैंक और दाहली लोगों के दरमियान एक माहदा है, एक जो है वो एसोसिएशन है जो लोगों के दरमियान बैंक के बानियान जैसे जिसमें बैंक की कानूनी हैसियत को बयान किया जाता है। अगर बैंक किसी ऐसे मकसद के लिए काम करे जिसका जिक्र आयन में ना हो तो इसका ये अमल गैर कानूनी काम कहलाता है। कहते हैं कि बैंक क्या करती है कि बैंक आपके किसी ऐसे मकसद के लिए काम करे, कहते हैं ऐसा बैंक जिसमें आपका जिक्र आयन में ना हो यानी एसोसिएशन उसके आर्टिकल्स में मौजूद ना हो यानी उसके मेमोरेंडम में ही मौजूद ना हो तो कहते हैं ये अमल गैर कानूनी कहलाता है। इससे बैंक के आयन में किसी किस्म की तब्दीली बाकायदा इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती। बैंक के आइन को हर बात अलग अलग पैराग्राफ की शिक्ल यानी उससे जो क्लॉजेज हैं उसमें लिखा जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट ये क्या है, कहते बैंक का आइन एक मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक का आइन, फिर आप उसके बाद उसको लिखेंगे कि बैंक का आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कंपनी के हकूक इख्तियारात और मकासद को तयन करती है। ये एक बुनियादी की मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इसकी तैयारी में नहायत एहतियात से काम लेना चाहिए, उसे बैंक के बानियान से तैयार करवाना चाहिए। कहते हैं बैंक का आइन बैंक और दाहली लोगों के दरमियान एक वादा है, उसके बाद कहते हैं इसमें बैंक की कानूनी हैसियत को बयान किया जाता है। अगर बैंक किसी ऐसे मकसद के लिए काम करे जिसका कहते हैं जिसका तयन उसकी या उसका जिक्र आइन में ना मौजूद हो तो वो गैर कानूनी होगा। तो कहती है कि आपको इसको समझना चाहिए, इसकी हर चीज़ को अलग अलग यानी हर अलग अलग शिक में इसको जो है वो लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि बैंक के आयन में मंदरजा जैल शिक के शामिल की जाती है कि जो क्लाजेस हैं वो शामिल की जाती है। सबसे पहले नंबर वन पे है बैंक का नाम। क्या है बैंक का नाम? कहते हैं बैंक का नाम बैंक की तमाम दस्तावेजात पर जरूर दर्ज होना चाहिए। कहते हैं जो बैंक की तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं यानी जो उसके जरूरी दस्तावेजात हैं उस पर जरूर दर्ज होना चाहिए। बैंक का नाम बहुत सोच विचार के बाद तय करना चाहिए। कहते हैं बैंक का जो नाम है बैंक का नाम बहुत सोच विचार के बाद तय करना चाहिए क्योंकि एक दफ़ा तय किया हुआ नाम आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका जो नाम है बैंक का वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो बैंक का नाम कहते हैं बैंक की तमाम दस्तावेजात पर जरूर दर्ज होना चाहिए। बैंक का नाम बहुत सोच विचार के बाद आपको जो है वो तय करना चाहिए।
क्योंकि एक दफ़ा अगर आप उसे तय कर लेते हैं तो वो आसानी से तब्दील नहीं हो सकता। और ये देखना ज़रूरी है कि इस नाम का कोई पहले बैंक वाले रजिस्टर तो नहीं है। कहते जब भी आप किसी कोई बैंक का नाम रखने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस नाम से पहले कोई बैंक मौजूद तो नहीं है या वो रजिस्टर तो नहीं है। अगर बैंक के हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद हो तो फिर बैंक के लफ्ज़ के साथ लफ्स लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। कहते अगर बैंक की हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद है यानी आपकी लिमिटेड है तो फिर आप बैंक के नाम के साथ लफ्ज़ जो है वो वर्ड लिमिटेड यूज़ करें। कहते हैं बैंक का नाम बैंक के तमाम दस्तावेज़ात पर जोर दर्ज होना चाहिए और बैंक का नाम बहुत सोच विचार के बाद तय कर लेना चाहिए। अगर आपका बैंक का नाम अगर आप एक दफ़ा से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं स्टूडेंट आप उसे चेंज नहीं कर सकते। बैंक का जो नाम है वो आपको बहुत नहायत तैयारी से उसका काम लेना चाहिए, उसे बैंक के बानियन से तैयार करवाना चाहिए। देखिए आपको जो बैंक का नाम है अगर आप उसे एक दफ़ा रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो कहते हैं भाई आप उसे दोबारा जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं कि बैंक जो है वो उसे बैंक से पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर बैंक किसी तरह की जिम्मेदारी में दूध हो तो भी बैंक के लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। अगर ना हो तो आप उसके साथ लफ्ज़ के साथ लिमिटेड लिखें ना। फिर उसके बाद कहते हैं सदर दफ्तर यानी जो बैंक का दफ्तर है वो कहते हैं बैंक के आयन में उसके हेड ऑफिस की जगह उसका मुकम्मल पता दर्ज होना चाहिए, इसमें इसके सूबे का नाम लिखे जाना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि बैंक के आयन में हेड ऑफिस की जगह उसका मुकम्मल पता दर्ज किया जाना चाहिए। आम तौर पर वो क्या कहते हैं कि आपकी जो बैंक है या रियासती सूबे का नाम लिख दीजिए। कहते हैं बैंक में ये होता है कि आप रियासत के सूबे का नाम लिख देते हैं, रियासत के सूबे का नाम लिख दिया जाता है। पता की तब्दीली की सूरत में 28 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को मुतला करना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो आपका सदर दफ्तर है ना कहते हैं बैंक जो है उसमें आपका हेड ऑफिस की जगह उसका मुकम्मल आपको एड्रेस लिखना चाहिए और उसके बाद उसमें रियासत के सूबे का नाम लिखा जाना चाहिए। कहते हैं अगर आप उसका बैंक का जो पता है उसको चेंज करा रहे हैं तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रार को 28 दिन के अंदर मुतला करना ज़रूरी है। कहते हैं कि जो सदर दफ्तर है आपके बैंक का अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं सबसे पहले तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपको रजिस्ट्रार को जो है विद इन द 20 डेज़ के अंदर आप उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर थर्ड पे वो बात करते हैं कैपिटल की। किसकी बात करते हैं? कैपिटल की यानी वो सरमाया की बात करते हैं। तो कहते हैं कि बैंक का जो आयन है उसमें अब बैंक के सरमाया के मतलब भी वाजाहत की जाती है। कहते बैंक का जो मेमोरेंडम है यानी जो एसोसिएशन है आप उसमें कहते हैं जो बैंक का आयन है उसमें बैंक के सरमाया के मतलब तमाम वजाहत की जाती है। कहते हैं कि आपका जो बैंक है उसका कुल कितना सरमाया होगा, कहते हैं इसका टोटल जो कैपिटल है वो कितना होगा और सरमाए को कितने हिस्से कहते हैं स्टूडेंट शेयर्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? कितने शेयर्स में जो है वो डिवाइड होगा यानी उसको तकसीम किया जाएगा यानी हर हिस्से की मालिक कितनी होगी। कहते हैं कि हर हिस्से जो है वो हर शेयर है उसकी मालिक कितनी होगी और उसमें कहते हैं उसको कितने शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा। तो कहते हैं बैंक का जो नाम है वो लिखा जाना चाहिए। इसमें कि नंबर वन पर हम ये मुत्ती जो क्लाजेज़ हैं स्टूडेंट्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन पे हमने ये देखा है कि बैंक का नाम जो है उसके तमाम दस्तावेज़ात पर जोर दर्ज होना चाहिए। फिर हमने सदर दफ्तर को डिस्कस किया कि जो सदर दफ्तर है उसका जो हेड ऑफिस है क्या नाम, इसमें कहते हैं बैंक का नेम है, नेम ऑफ बैंक, क्या कहते हैं? नेम ऑफ बैंक। फिर उसके बाद कहते हैं उसका जो सदर दफ्तर यानी उसका जो हेड ऑफिस है उसको आपको डिस्कस करना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं उसका जो सरमाया है यानी जो उसका कैपिटल है जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी, कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी यानी बैंक का कुल सरमाया कितना होगा और उसको सरमाया को कितने हिस्से में तकसीम किया जाएगा यानी जो सरमाया की यानी हर हिस्से की मालिक कितनी। कहते हैं कि जो सरमाया है जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितने हिस्सों में उसको तकसीम किया जाएगा यानी कितने पार्ट में तकसीम किया जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा और हर हिस्से की मालिक यानी हर हिस्से की जो मालियत है हर जो शेयर है उसकी जो कीमत है वो टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितनी होगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैंक स्टूडेंट किसको डिस्कस करने लगे, बैंक के मकासद को। तो देखें आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होता है कि जो बैंक है उसके जो आयन में उसके यानी ये कह सकते हैं कि जो मकासद हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं बैंक के आयन में बैंक के कारोबार के नहीं तो रिस्की वसत के बारे में ज़रूरी तफसील दर्ज होती है। कहते हैं जो बैंक का आयन है यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या जो बैंक का तफसीली जायज़ा है तो कहते हैं बैंक के आयन में बैंक के कारोबार के नहीं तो रिस्की वसत के बारे में ज़रूरी तफसील दर्ज होती है। अगर बैंक के प्रमोटर्स बैंक के मकासद से तजावीज़ करें तो ये गमला गैर कानूनी बस समझा। कहते हैं कि आपके जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक, क्या स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक। कहते हैं जो बैंक के मकासद हैं वो कौन कौन से हैं, तो कहते हैं बैंक के आयन में बैंक के कारोबार से मतलब जो नोयत रिस्की वसत के बारे में तो जो तफसील दर्ज होती है। अगर तो वो कहते हैं कि बैंक के प्रमोटर्स बैंक के मकासद से तजावीज़ कर जाएँ यानी वो उसे तजावीज़ कर जैसे फिर जाएँ तो ये अमल गैर कानूनी अमल समझा जाता है। कहते हैं कि बैंक के आयन में बैंक के कारोबार की नोयत रिस्की वसत के बारे में ज़रूरी तफसील बताई जाती है।
अगर तो बैंक के प्रमोटर्स बैंक के मकासद तजावीज़ कर रही हैं, उनको ना पता हो तो फिर ये उनका अमल गैर कानूनी मसल रहेंगे। उनका जो अमल है, उनका वो जो एक्ट है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं बल्कि आपकी जो लॉ है उसके अगेंस्ट समझा जाता है। ज़िम्मेदारी की बात करते हैं, कहते हैं बैंक के आईन में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी जाती है कि बैंक के हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी महदूद होगी या गैर महदूद। तो कहते हैं बैंक का जो आईन है, एसोसिएशन है, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिख दी जाती है, यानी उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि जो बैंक के हिस्सेदार की ज़िम्मेदारी है वो महदूद है या गैर महदूद है, यानी उसकी जो ज़िम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी क्या कहते हैं कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी वो कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बैंक की वो चेंज नहीं होती होनी चाहिए बल्कि वाज़ह तौर पर लिखी जानी चाहिए, और बैंक के हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी महदूद या गैर महदूद होती है। एसोसिएशन के शिक की बात करते हैं, इस शिक के तहत आयन पर दस्तखत करने वाले तमाम प्रमोटर इस बात का ऐलान करते हैं कि बैंक में वो बैंक तश्कील देना चाहते हैं और अपने ज़िम्मे लगाए गए हिस्से खरीदेंगे कि नहीं। कहते हैं जो शिक है उसके तहत आयन पर दस्तखत करने वाले तमाम प्रमोटर्स जो हैं, यानी आपके जो प्रमोटर हैं, वो इस बात का ऐलान करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि बैंक तश्कील देना चाहते हैं नहीं। एसोसिएशन के शिक में ये होता है कि वो इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि वो बैंक की तश्कील देना चाहते हैं कि नहीं, और अपने ज़िम्मे लगाए गए हिस्से खरीदेंगे। इस शिक में उनके नाम पते और दस्तखत भी शामिल होते हैं। कहते हैं एसोसिएशन की शिक ये है कि आप पर जो शिक के तहत आयन पर जो दस्तखत है, यानी जो आपके सिग्नेचर्स हैं, यानी वो कहते हैं कि आपके जो सिग्नेचर्स हैं और उसके मुताबिक वो कह रहे तमाम प्रमोटर्स इस बात का ऐलान करते हैं कि वो बैंक तश्कील देना चाहते हैं या नहीं है, और अपने ज़िम्मे लगाए हिस्से जो उनके उनके जो उन पर जो हिस्से की ज़िम्मेदारी लगाई गई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खरीदेंगे या नहीं। इस शिक में उनके नाम पर दस्तखत भी शामिल होंगे। बैंक के आयन में तब्दीली, कंपनी एक्ट 2007 की दफ़ात 32 और 33 के मुताबिक बैंक को इख्तियार हासिल होता है कि वो आयन में मौजूद शकों की कमीशन की मंजूरी के बाद तब्दील किया जा सकता है, यानी तब्दील कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो कंपनी एक्ट 2007 है उसकी दफ़ात 32 और 33 के मुताबिक बैंक को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो जो बैंक है वो आयन में मौजूद शिकों और जो उसके बाद मौजूद शिक्स हैं, यानी जो क्लासेस हैं, उसकी कमीशन के तौर पर मंजूरी के बाद तब्दीली कर सकता है। तो कहते हैं कि अगर उसने चेंजिंग करनी है बैंक के आयन में, अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप 32 और 33 के मुताबिक जो एक्ट है उसके मुताबिक कर सकते हैं, वरना आप चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी शिकों को कमीशन की मंजूरी के बाद तब्दील किया जा सकता है। यानी अगर आप मंजूरी ले रहे हैं, आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, वरना उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बैंक के जो कायदे ज़वाबत हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करने लगे हैं? बैंक के कायदे ज़वाबत। तो कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बैंक के कायदे ज़वाबत यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बैंक का, जिसमें कहते हैं कि ऐसी दस्तावेज़ है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके बारे में वो कायदे ज़वाबत के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं ये ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें बैंक के कारोबार इंतजामी उमूर के मुतल कायदे ज़वाबत दर्ज होते हैं। कहते हैं ये ऐसी दस्तावेज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बैंक के जो आपके कारोबार हैं और इंतजामी उमूर के मुतल कायदे ज़वाबत दर्ज होते हैं। ये बैंक की दूसरी अहम दस्तावेज़, इट इज़ द मेन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक। इससे मुकम्मल कहते हैं इसे मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त फॉर्म के साथ रजिस्टर दफ्तर में जमा करवाया जाता है। इस बाबत में बैंक के मकासद के हसूल का तरीकाकार दर्ज होता है। कहते हैं जो आपके एसोसिएशन हैं, जो आपके ज़वाबित हैं, उसमें बैंक के मकासद के हसूल का तरीकाकार दर्ज है, यानी ये दस्तावेज़ात बैंक के आयन पर अमल दरामद करने के लिए बनाई जाती हैं, यानी जो आपका जो बैंक है उस पर एक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, और इसमें आयन के मतजाद कोई भी बाकायदा शिक शामिल नहीं होती। जब कोई बैंक अपने कायदे ज़वाबत नहीं बताता तो कंपनी एक्ट 2017 के पहले जदोल के टेबल ए के तहत बनाई गई एक मॉडल को कवानीन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। कहते बैंक की जो आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, यानी आपकी जो चेंजिंग है, वो कहते हैं एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें बैंक के कारोबार इंतजामी अमूर के मुतल कायदे ज़वाबत दर्ज हैं। ये बैंक की दूसरी इंपॉर्टेंट मेन डॉक्यूमेंट है। इसे मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त फॉर्म और रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाती है। ज़वाबत में बैंक के मकासद के हसूल का तरीकाकार, यानी जो आपका बैंक है उसमें आपके जो मकासद के हसूल हैं, यानी जो आपका तमाम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जाता है। यानी ये दस्तावेज़ात बैंक के आयन पर अमल दरामद करने के लिए बनाई जाती हैं, यानी जो बैंक का आयन है उसमें जो आपकी चीज़ें हैं उसको अमल दरामद करने के लिए बनाई जाती हैं। फिर कहते हैं इसमें आयन के मतजाद कोई भी कायदा शामिल नहीं होता। जब कोई बैंक अपने कायदे ज़वाबत नहीं बताता तो कंपनी एक्ट 2017 के पहले जो दो टेबल ए के तहत बनाए गए एक पार्टों को कवानीन के तौर पर तस्लीम कर लिया जाता है। कहते हैं इसके अहम नकात दर्जा ज़ैल हैं। कहते हैं कि नाउ वी डिस्कस द मेन पॉइंट्स, इसमें कहते हैं कि नाउ वी डिटेल द डिस्कस द मेन पॉइंट्स, इसके जो मेन पॉइंट हैं, उसके जो अहम नकात हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसके मेन पॉइंट हैं, उसके जो अहम नकात हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले वो नंबर 1 पे बात करते हैं सरमाया की। किसकी बात करते हैं? आपका कैपिटल।
कहते हैं जो बैंक का कायदे जबत है उसमें कारोबारी इंतजामी उम्र को चलाने के मतलब कायदे जबत दर्ज होते हैं। देखिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है, हिस्सेस की एग्जाम, टाइप ऑफ शेयर्स, कौन कौन सा टाइप है, यानी आपका प्रीमियम शेयर है, आपका डिस्काउंट शेयर है या एट पार वाली शेयर है, यानी जो तीन किस्म की आपकी टाइप होती हैं, तो वो कहते हैं वो किस किस्म का शेयर है उसकी वो बात करते हैं। फिर वो कहते हैं हिस्सेस की कीमत और हिस्सेस की मुंतकली, कहते हैं जो आपकी हिस्सेस की कीमत है, प्राइस ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स है, उसमें ये कह सकते हैं हिस्सेस में तब्दीली का तरीकाकार, चेंज द मेथड इन द शेयर्स में कहते हैं कि उसका जो तरीकाकार है आप वो भी हमें डिस्कस करके बताएं, हिस्सेदारों के राइट ऑफ जो कहते हैं शेयर्स हैं जिसमें कहते हैं राइट ऑफ शेयर होल्डर्स उसके कितने हैं, उसके बाद कहते हैं हिस्सेस के स्टॉक में तब्दीली है, यानी कि द चेंज इन द शेयर्स ऑफ द स्टॉक, वो कौन कौन से डायरेक्टर्स की तादाद, ये कहते हैं इसमें डायरेक्टर्स की जो तादाद है वो बताएं, कहते हैं नेम ऑफ डायरेक्टर्स उसके बता दें, इसमें कहते हैं हाउ मेनी डायरेक्टर्स इन द कंपनी द वर्क, वो कौन कौन से डायरेक्टर्स है जो काम करते हैं, डायरेक्टर्स का इंतहा, इसमें कहते हैं चूजर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर ड्यूटीज़, में कहते हैं उन जो डायरेक्टर्स का इंतहा है उसके बाद उनकी ड्यूटीज़ हैं, हिस्सेदारों के इजलास करने का तरीका, मैथड ऑफ कॉलिंग ऑफ फॉर द इसमें कहते हैं फॉर अजलास, इसमें कहते हैं आप वो बुला सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं फॉर शेयर होल्डर्स, उसके बाद कहते हैं हिस्सेदारों के वोट देने का तरीका, द मेथड ऑफ पुटिंग द वोट ऑफ शेयर होल्डर्स, सरमाया मुनाफा की तकसीम, इसके बाद कहते हैं कि सरमाया जो है आपका जो कैपिटल है, कैपिटल एंड हिज आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल और उसकी जो डिविडेंड है, कैपिटल प्रॉफिट एंड इट्स डिविडेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, हिसाबात और इनकी पर जान पड़ताल, कहते हैं कि उसकी जो हिसाबात है क्लियरिंग है, एंड उसके बाद कहते हैं ऑडिटर्स का इंतहा, चूजन ऑफ ऑडिटर्स राइट्स एंड ड्यूटीज, इसमें कहते हैं बैंक का नफा और महफूज मनवाया, इसके बाद कहते हैं बैंक का जो नफा है डिविडेंड्स ऑफ बैंक, इसमें कहते हैं प्रॉफिट ऑफ बैंक एंड रिजर्व रेशो, डायरेक्टर्स का इजलास, में कहते हैं इजलास उसमें कहते हैं कॉलिंग ऑफ डायरेक्टर्स, हिस्सेस की फरोख्त का तरीकाकार, कहते हैं आपका जो तरीकाकार है द मेथड ऑफ शेयर ज़्यादा हिस्सेस जो है उसकी बात करते हैं, बैंक की मोहर होनी चाहिए, यानी अब स्टैंप ऑफ बैंक वो होनी चाहिए, फिर उसके बाद कहते हैं हिस्सेस की फरोख्त का तरीकाकार होना चाहिए, मैनेजिंग एजेंट्स की है ड्यूटीज़ राइट्स एंड उसके बाद कहते हैं कि उनका जो मुआवजा है उनको जो दिया जाता है यानी उनके जो ऊपर उनको पे किया जाता है वो सब कुछ है, बैंक के जवाबत में तब्दीली, कहते हैं कंपनी एक्ट 2000 के सेक्शन 38 के तहत बैंक के कायदे ज़बत बैंक के हिस्सेदार एक खसूसी करारदार के जरिए तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये तब्दीली कहते हैं कि आपने अगर चेंजिंग करनी है कंपनी एक्ट 2017 सेक्शन 38 के तहत बैंक के बाद बैंक के हिस्सेदार एक खसूसी करारदार के जरिए तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन ये जो तब्दीली है जो चेंजिंग है वो कंपनी एक्ट और बैंक के आयन के मुनाफी नहीं होनी चाहिए, अगर आपने चेंजिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो चेंजिंग है वो आपकी कंपनी के एक्ट और बैंक के कानून के मुताबिक होनी चाहिए, यानी उसके मुनाफी नहीं होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट द कंपनी एक्ट, उसमें तो कंपनीज आर्डिनेंस की कुछ भी आप उसके जो एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए, उससे चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, कहते बैंक का नफा और महफूज सरमाया होना चाहिए, फिर उसके बाद कहते हैं कि आपके जो कंपनी के एक्ट है 2017 उसके से 38 के बैंक के तवादी बैंक के सदर की खसूसी करारदार के जरिए तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन ये तब्दीली कंपनी के एक्ट और बैंक के आयन के मुनाफी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके जो चेंजिंग है उसके बगैर वो नहीं होनी चाहिए, यानी विदाउट चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, और चेंजिंग के साथ विद इन द चेंजिंग होनी चाहिए, विदाउट द चेंजिंग आपकी ये जो एक्ट है उसके साथ वो नहीं होनी चाहिए। फिर कहते बैंक का जो पेश नाम है इसमें कहते प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक, यानी जो आपका बैंक का पेश नाम है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक है आप उसको डिस्कस कर लें कि जो बैंक का पेश नामा है वो क्या है। बैंक का पेश नामा इसमें कहते हैं कि प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक है वो कौन कौन से, ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसके जरिए बैंक के हिस्से आवाम को खरीदने की दावत दी जाती है। इसमें कहते हैं इट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन विच पीपल कॉलिंग टू शेयर द परचेज, इसमें कहते हैं कि अब लोगों को कहा जाता है, बुलाया जाता है और इसमें खरीदने की दावत दी जाती है, इन्वाइट टू द पीपल फॉर शेयरिंग द परचेज। इट इज़ द आप इधर लिख सकते हैं कि इट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ इट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक इन विच इन्वाइट टू पीपल इन्वाइट टू पीपल टू शेयर टू परचेज द शेयर, क्या करें कि वो जो शेयर हैं उनको परचेज करें। तो कहते हैं कि बैंक की एक अहम वाली दस्तावेज़ ये है जिसके ज़रिए बैंक के सवाम को खरीदने की दावत दी जाती है, इसको प्रॉस्पेक्टस भी कहा जाता है। वी कैन डिफाइन द प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की एक तस्दीक शुदा कापी रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाई जाती है। कहते हैं कि जो प्रॉस्पेक्टस की एक तस्दीकशुदा कापी है वो रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाई जाती है। आमतौर पर प्रॉस्पेक्टस मुकामी अखबारात कहते हैं जो आपके प्रॉस्पेक्टस होते हैं, प्रॉस्पेक्टस स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसमें शेयर के अबाउट आपको डिटेल दी जाती है, यानी आपको शेयर्स
कहते हैं शेयर्स के लिए बुलाया जाता है, या शेयर्स की आपको जो कापी है वो शाया की जाती है, या आमतौर पर प्रॉस्पेक्टस मकामी अखबारात में भी शाया करवाई जाती है और इस पर शायद की तरह भी दर्ज की जाती है। कहते हैं वो प्रॉस्पेक्टस हैं जिस पर आपके मकामी अखबारात में शाया करवाई जाती हैं और इस पर शायद की तरह भी दर्ज की जाती है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी जो एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी कंपनी के हिस्से आवाम को खरीदने की दावत दी जा रही होती है, इसको प्रॉस्पेक्टस भी कहते हैं, लेकिन इसकी तशरीहदा कापी रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाई जाती है। आमतौर पर प्रॉस्पेक्टस मकामी अखबारात में शाया करवाए जाते हैं और इस पर शायद की तरह भी दर्ज होती है। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं इसके अहम निकात दर्जा ज़ाल है ना, वो डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। उसके कहते हैं जो मेन डिस्कस पॉइंट, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं बैंक के आयन के तमाम नकाब, द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एसोसिएशन या बैंक, द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक। कहते हैं एसोसिएशन ऑफ द बैंक है द मेन पॉइंट ऑफ द बैंक। डायरेक्टर्स के मुकम्मल नाम और पते, द एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स एंड नेम एंड एड्रेस। कहते हैं डायरेक्टर्स का नेम और उसके जो मुकम्मल हैं पते। डायरेक्टर्स के लिए अहलीकी हिस्से की तादाद, कहते हैं जो उनके लिए आपने एबल कर लिए हैं यानी उनके लिए आपने अहलियत कर लिए कि ये उन्हीं के डायरेक्टर्स के हिस्से हैं, तो उनकी हिस्से की तादाद। बैंक के ऑडिटर्स के नाम और पते, कहते हैं द नेम ऑफ द ऑडिटर्स बैंक एंड नेम। इसमें कहते हैं जो बैंक के ऑडिटर्स हैं, इसमें कहते हैं नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द ऑडिटर्स एंड बैंक। कहते हैं बैंक के जो ऑडिटर्स के नाम और पते हैं वो मुकम्मल तौर पर वो दर्ज करते हैं, वो भी होते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर फाइव पे, वो बात करते हैं हिस्से की फरोख्त का तरीकाकार। स्टूडेंट किसकी बात करें, हिस्से की फरोख्त का तरीकाकार है प्रमोटर्स के लिए महसूस किए गए हिस्से की तादाद। कहते हैं जो हिस्से की फरोख्त का तरीकाकार है वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कहते द मेथड फॉर द शेयरिंग, यानी द मेथड फॉर सेलिंग द शेयर्स। कहते हैं वो तरीकाकार जिसमें आप हिस्से की फरोख्त को बेचेंगे। प्रमोटर्स के लिए महसूस किए हिस्से की तादाद, इसमें कहते हैं फॉर अलाट स्पेशल अलाटेड शेयर फॉर शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स। कहते हैं प्रमोटर्स के लिए जो आपने महसूस कर दी हैं यानी आपने रिजर्व कर दिए हैं शेयर्स, उसकी कितनी तादाद है। हिस्से की तादाद और इसकी मालिक, कहते हैं द मेन टोटल टाइप ऑफ शेयर्स एंड हिज प्राइस। इसमें कहते हैं जो हिस्से की कुल तादाद है और उसकी जो मालिक है उसको डिस्कस करेंगे। सरमाया फराम करने वाली शख्सियत इदारे का नाम, द मेन पॉइंट फॉर द शख्सियत। वे कहते हैं जो सरमाया फराम करने वाली शख्सियत है उस इदारे का नाम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर्स की खिदमात का मुआवजा, कहते हैं जो आपकी जो कमीशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इब्तदाई अखराजात की तफसील, द एस्टिमेशन ऑफ द जो आपके इब्तदाई अखराजात हैं उसके अंडर राइटर करने वाले बैंक का नाम और इसकी कमीशन। कहते हैं जो अंडर राइट करने वाले बैंक हैं बैंक का नाम है और जो उसकी कमीशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सरमाया की कम से कम हद, कहते हैं द लिमिट ऑफ कैपिटल। इसमें कहते हैं कि द मेन लिमिटेड और लिमिट ऑफ कैपिटल, जो सरमाया की कम से कम हद है उसको डिस्कस करेंगे। अहम आदात और इनकी तफसील, द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड हिज डिस्कशन। कहते हैं मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसकी डिस्कशन करेंगे। मुनाफा तकसीम कार का अमल, इसमें कि द मेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट एंड हिज डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं उसकी जो तरीकाकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। हिस्से के मुतब एग्जाम्पल मुनाफा की शरह, कहते हैं द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स एंड हिज प्रॉफिट एंड इन। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 16। कहते हैं कि सबसे पहले हमने देखिए हिस्से के मुतफिक साम द में डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स एंड हिज प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। में कहते हैं कि जायदाद की तफसील, द मेन डिस्कशन फॉर द परचेजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। बैंक हिस्से की एग्जाम, द टाइप ऑफ बैंक एंड शेयर्स। इसमें कहते हैं हिस्से की फरोही, कहते हैं फरोख की मुनाफा कटौती है असल कीमत। द मेन टाइप ऑफ शेयर्स, इसमें कि उसके एंड देन वी डिस्कस द पावर वैल्यू ऑफ शेयर्स, और ये कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसमें कि जो उसकी जो मुकम्मल खरीदगी है फोतगी है मुनाफा कनौटी है वो असल कीमत, वो सबको डिस्कस करेंगे। अब कायम मुकाम पेश, अगर बैंक रजिस्ट्रेशन के वक्त पेश नंबर जमा ना करवाया जा सके तो इसकी जगह एक ऐसी दस्तावेज जमा कराई जाती है। कहते हैं अगर आप जो बैंक आपका जो बैंक की रजिस्ट्रेशन जब आप करवा रहे हैं तो आपके पेश नंबर ना हो तो उसकी जगह आप एक ऐसी दस्तावेज जमा करवा दें। यदि एक ऐसी दस्तावेज जमा करवाई जाती है जिसमें बैंक के मुकाम जो आपका पेश नामा है उसमें तमाम ज़रूरी अंदाज दर्ज किए जाते हैं। इस दस्तावेजात को बैंक का मुकाम पेश नामा यानी स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। कहते हैं कि ये मुकाम पेश नामा वो पेश नामा है जिसमें आप बैंक रजिस्ट्रेशन को तमाम पेश नामा जमा ना करवा सके तो फिर आप क्या करते हैं कि अगर आप उसको जमा नहीं करवा सकते तो फिर एक आप ऐसी डॉक्यूमेंट, कहते हैं कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं जिसमें पेशनामा के जरूरी तमाम इंदराज मौजूद होते हैं। इसमें दस्तावेजात को बैंक का कायम मुकाम पेशनामा यानी द स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था कि जिसको हमने डिस्कस किया कि द मेन इंपॉर्टेंट थ्री टाइप
आप डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से, यानी जो आपके जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, थ्री मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक, हमने इसको डिस्कस किया है, तो वो थ्री हैं। कौन कौन सी हैं? तीन हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर हमने डिस्कस किया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द थर्ड वन इज स्टेट लॉ प्रॉस्पेक्टस ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक। हमने कि तीन किस्म के जो आपके आर्टिकल्स हैं या तीन किस्म के जो आपके एसोसिएशन हैं उसको हमने डिस्कस किया है। तो कहते हैं कि जो तीन किस्म के जो हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हमने, अगर हम अपने लेक्चर को रिव्यू करें, तो हमने देखा स्टूडेंट के जो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट था वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीन डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हमने ये देखा कि इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए, जब आपने बैंक की तीन दस्तावेजात बतानी है, तो स्टूडेंट आपने तीनों का इंट्रोडक्ट, यानी आपने डायग्राम के साथ इसको ड्रा करें, यानी आपने बताना है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बैंक की, उसके बाद आपने बताना है कि बैंक का आइन है, बैंक का जवाब है, तो आप इसको मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाकर, तो आप इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं, यानी आप उसको ऐसे करके जूम भी कर सकते हैं, यानी ऐसे आप नंबर वन इधर दे लें, नंबर टू इधर और नंबर थ्री इधर, और इधर आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ जो बैंक है, यानी जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक के वो कौन कौन से हैं, आप उसके भी अंडरलाइन यानी नंबरिंग देकर इसको हल कर सकते हैं। फिर कहते हैं आपका जो बैंक का आइन है, जब आपने स्टूडेंट बैंक के आइन को डिस्कस करना है ना, तो आपने सबसे पहले लिखना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आपने नीचे लिखना बैंक का नाम होना चाहिए, यानी इसको पॉइंट दे रहे सदर दफ्तर होना चाहिए, फिर सरमाया भी होना चाहिए आपके पास, फिर हमने आगे देखना है कि जिम्मेदारी कौन सी एसोसिएशन की, यानी उनको भी आप पॉइंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जब बैंक का आइन स्टूडेंट हमने देखा, तो हमने इसमें देखा कि बैंक की एक अहम बुनियादी दस्तावेज़ है, और इसकी तैयारी में आपको नहायत इतिहास से काम लेना चाहिए, जिसे बैंक के जो बानियान हैं, माहरीन हैं, उससे तैयार करवाना चाहिए, जो बैंक के बानियान हैं उसे माहरीनों से तैयार करवाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर सिर्फ बैंक के जो बानियान प्रमोटर से तैयार करवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बैंक का जो एक आइन है वो दाहली लोगों के दरमियान एक मादा है, जिसमें बैंक की कानूनी हैसियत को बताया, यानी एक लोगों के दरमियान ये एग्रीमेंट है जिसमें अब बैंक की जो कानूनी हैसियत है, यानी जो उसकी अकॉर्डिंग टू ला उसकी जो हैसियत है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर बैंक किसी ऐसे मकसद के लिए काम करे, कहते हैं अगर बैंक आपका किसी ऐसे मकसद के लिए काम करे जिसका जिक्र आइन में ना हो, तो उसका गैर कानूनी अमल समझा जाता है। हमने देखा कि हमने सिक्स क्लाजेस को डिस्कस किया, यानी जो इसकी कितनी क्लाजेस को डिस्कस किया, हमने सिक्स क्लाजेस हैं इसकी, जो बैंक का आइन है आपने हमेशा याद रखना है उसकी सिक्स क्लाजेज है। कितनी क्लाजेज हैं? सिक्स क्लाजेज। देखिए, बैंक का नाम आपको हमेशा सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा बैंक का नाम रख लेते हैं तो आप वो दोबारा उसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते, यानी बैंक का नाम आप बहुत सोच विचार कर बाद रखें, क्योंकि एक दफ़ा रखा गया नाम दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर इस नाम को पहले बैंक, तो आप ये देखिए जब आप इसको करवा रहे हैं तो इस नाम का पहले कोई बैंक रजिस्टर तो नहीं है, यानी वो बैंक में मतलब मौजूद तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि आप ये देखें कि जो बैंक है वो पहले से मौजूद तो नहीं, यानी उसमें कोई आप जो आप वर्ड यूज़ करें, जो आप उसका नाम यूज़ करें, उसका पहले से तो कोई बैंक के साथ कोई रबता नहीं, यानी कि पहले ही उस नाम का बैंक मौजूद तो नहीं है। तो जब आप बैंक को इस्तेमाल करते हैं, बैंक को चूज़ करते हैं, बैंक का नाम रखते हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर करना है कि बैंक का नाम जो आपने रखा है उसी इसी बैंक का नाम हो, सदर दफ्तर यानी जो इसका हेड ऑफिस है। कहते हैं बैंक का जो मुकम्मल पता नाम इस पर दर्ज होना चाहिए। फिर इसमें कहते हैं अगर आपने क्या करना है कि सुबह रियासत का नाम लिखा जाना चाहिए, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपको तकरीबन विद इन 20 डेज़ के अंदर अपने रजिस्ट्रार को बताना चाहिए कि हमने नाम को चेंज कर लिया है। फिर उसके बाद आपने जो करना है वो सरमाया की बात करनी है। कहते हैं बैंक के आय में बैंक की जो सरमाया है उसकी मुकम्मल आपने डिटेल देनी होती है, यानी बैंक का आप बताएँ कि कुल सरमाया कितना होगा, यानी टोटल जो कैपिटल है बैंक का वो कितना होगा, और सरमाया को कितने हिस्से में तकसीम किया जाएगा, हो इसमें कहते हैं हम कैन डिवाइड द शेयर्स ऑफ डिवाइड इन द परसेंटेज, हर हिस्से की मालिक कितनी होगी और इसकी मालिक कितनी होगी। फिर कहते हैं कि बैंक के जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक हैं, वो आप बताएंगे कौन से हैं, जिम्मेदारी यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको आप डिस्कस करेंगे, उसमें एसोसिएशन के शिक हैं यानी जो आपकी क्लॉजेज़ हैं उसको आप डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि बैंक के कायदे सब यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैं उसको बताएंगे, ये बताएंगे कि ऐसे दस्तावेज़ है जिसमें बैंक के कारोबार इंतजामी मोर के मुतालिक कायदे सब दर्ज होते हैं, यानी आपकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें आपके जो हैं वो दर्ज होते हैं, इंक्लूड होते हैं, और आप इसको बताते हैं, यानी सरमाया कितना है, इसकी इकसाम कितनी है, इसकी तकसीम कितनी है, डायरेक्टर्स की तादाद कितनी है, और फिर आप ये बताएंगे डायरेक्टर्स का इंतखाब कौन सा है, फिर का बताएंगे हिस्सेदारों के इजलास पाने का तरीका क्या है, ऑडिटर्स के इंतखाब क्या है, बैंक का मुनाफा और महफूज सरमाया कितना है, बैंक की मोहर कौन कौन सी है, मैनेजिंग एजेंट्स कौन से, फिर इसको बैंक के जवाब में तब्दीली आप बता सकते हैं कि आप 2017 के एक्ट के तहत कर सकते हैं।
वरना आप उसमें खसूसी किरदार के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो किरदार है अगर आप इसमें चेंजिंग कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रखें कि वो कंपनी के एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए, यानी उसके चेंजिंग उसके मुनाफी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके बराबर होनी चाहिए, उसकी कंपनी की जो एक्ट है उसके मुनाफी नहीं होनी चाहिए। बैंक का पेज नंबर जो प्रॉस्पेक्टस ऑफ बैंक है, मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेक्टस वो होता है जिसमें आप लोगों को शेयर परचेज करने की दावा देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, जिसमें जब वो सबसे पहले वो बैंक अगर वो स्टार्ट करती है तो वो प्रॉस्पेक्टस जारी करती है जिससे वो लोगों को दावा देती है कि वो शेयर्स को आएँ और परचेज़ करें। उसके बाद हमने देखा है कि इसमें सारी जो आपकी शेयर्स हैं उसकी डिटेल डिस्कशन होती है, हिस्सेस की फरोख्त का तरीकाकार, फिर हिस्सेस की तादाद कितनी होगी और इसकी मालियत क्या होगी, हिस्सेस की मुख्तलिफ इकसाम क्या होगी, मुनाफा की शरह क्या होगी, हिस्सेस की फरोख्त मुनाफा या कटौती क्या होगी, कायम मकाम पेशनामा की हमने डिस्कस किया कि वो क्या होता है, यानी स्टेटमेंट्स इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस को डिस्कस किया और दस्तावेजात का बैंक का मुकाम पेशनामा कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज का ही हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।